साईं जीवन माला के इस एपिसोड में हम आपको साईं व्रत की उद्यापन विधि बता रहे हैं। हर गुरुवार की तरह व्रत करके साईं जी का पूजन विधि पूर्वक करें। हम आपको पिछले एपिसोड में साईं व्रत कथा की पूरी विधि बता चुके हैं। उसी तरह आप व्रत पूर्ण करें, उसके बाद आरती करके आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार हलवा, खीर, पूड़ी, सब्जी, मीठा, फल, भोग लगाकर गरीब बच्चों को, कन्याओं को, परिवारजन को भोजन करा सकते हैं। आप अपने घर में भोजन करावें या साईं मंदिर जाकर भी भोजन करा सकते हैं। आप व्रत की उद्यापन विधि इस वीडियो के माध्यम से देखें। शिरडी के साईं बाबा ने अपना पूरा जीवन बच्चों की सेवा, जरूरतमंदों की आवश्यकता पूर्ति में हमेशा तत्पर रहते थे। कोई भी भक्त साईं के दरबार से खाली नहीं जाता है। जिसने साईं जी के सामने झोली फैलाई, साईं जी ने उसकी झोली खुशियों से भर दी। श्रद्धा सबूरी मन में लेकर जो साईं की शरण में आता है, खुशियों से उसका जीवन माला माल हो जाता है। हर गुरुवार दीप धूप जलाकर साईं के चित्र के समक्ष पूजन करें। साईं जी, मेरी आपसे विनती है, जो भी भक्त नित्य गुरुवार को आपके पास आवे, उन्हें सांसारिक भय से मुक्त करके इतनी शक्ति प्रदान करना कि उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। जिस प्रकार मेघ स्वाति नक्षत्र की बूंद से चातक पक्षी की प्यास बुझा देता है, उसी प्रकार साईं जी सभी भक्तों की प्यास बुझाकर अपने वचनों का पालन करो। सुख शांति समृद्धि और यश प्राप्ति के लिए आप यह व्रत अवश्य करें। व्रत 9, 11 या 21 जो भी वक्त श्रद्धा पूर्वक करेंगे, बाबा उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साईं बाबा करेंगे हर समस्या का समाधान। साईं जी देंगे संतान का वरदान। लड़का लड़की का विवाह निश्चित होगा। नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। विदेश यात्रा, जीवन में सफलता। साईं के व्रत से हर समस्या दूर होगी। रोगी के हर कष्ट साईं हरेंगे। जीवन खुशियों से हो जाएगा माला माल। हर तरफ से निराश व्यक्ति को मिल जाती है साईं बाबा की आस। तो आप भी कर लीजिए गुरुवार का उपवास। आप बने रहें साईं जीवन माला के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साईं तेरी कृपा से सब